हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं खुशी मोर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और फिर फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी आपसे बहुत ही अच्छी एक जो गुलाब की प्लांट है उसके बारे में बात करूंगी। उसको मैं आज प्रून भी करूंगी क्योंकि बहुत दिन से हमारे यहाँ बारिश थी, आज दो दिन से बहुत ज़्यादा धूप है और इतना ज़्यादा धूप है कि बहुत ही तेज़ धूप है। तो इसलिए सोचा कि गुलाब की प्लांट की भी हालत बुरी है तो इसकी भी थोड़ा सा केयर कर लूँ, आपके साथ शेयर भी कर लूँ। तो फ्रेंड्स, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो गुलाब एक ऐसा प्लांट है जो कि विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती है और पूरी साल ही फ्लावरिंग करती है, लेकिन विंटर में इस पर फ्लावरिंग बहुत आती है। और कभी क्योंकि अभी मॉनसून है, अभी बारिश है, तो अगर हम अभी इसकी केयर शुरू कर दें, विंटर आते आते ये प्लांट अपने आप को फैला भी देगी और इस प्लांट की जो जो इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी फ्लावरिंग करवाने के लिए, वो भी अगर हम अभी इसके फर्टिलाइज कर दें तो लगभग अगस्त की लास्ट से इस पर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और मेरी ये प्लांट की हालत देख सकते हो, बहुत सारे इंसेक्ट ने भी अटक कर लिया है और ये प्लांट एकदम ख़राब हो गई है। तो इस प्लांट को मैं आज प्रून भी करूँगी। तो फ्रेंड्स, प्रून करो, आप फर्टिलाइज़ करो, चाहे जो भी करो, पहले आती है इसकी जो मिट्टी है उसकी मिट्टी में बात कर लूँगी। अगर आप नर्सरी से अभी प्लांट्स को लाते हो, गुलाब के प्लांट्स को लाते हो, तो ये एक रिच सॉयल इसको चाहिए। और इसके लिए आपकी इसकी जी मिट्टी आप रेडी करोगे और वो उस मिट्टी में आप 30% गार्डनिंग सॉइल लो, 30% आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर गोबर खाद लो, बाकी 20% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट बोन मिल लो। और चाय की जो लीव्स है, अगर आपके पास वो खाद है, चाय की लीव्स की खाद है, तो आप वो भी यूज़ करो। एक बहुत ही अच्छी फर्टाइल मिट्टी आप बना के, जो कि एसिडिक भी हो, क्योंकि आप अगर लीव्स चाय लीव्स यूज़ करते हो तो मिट्टी की पीएच लेवल ठीक रहती है, मिट्टी थोड़ी सी एसिडिक होती है जो कि गुलाब की फ्लावरिंग करवाने में मदद करती है, उसको अच्छी रहने में मदद करती है। तो चाय की लीव्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको ज़रूर से ही मिलाओ, नहीं तो एक पॉट में अगर आप लगाते हो 15 या 20 इंच की पॉट, जितने भी पॉट में आप लगाओ, मिट्टी के साथ आप एक पैकेट जो 2 रुपए के पैकेट आती है कॉफ़ी पाउडर, उसको मिला के आप अपने प्लांट को लगा दो। फंगिसाइड ज़रूर से ही मिलाना, अगर फंगिसाइड नहीं है तो साफ मिला के आप अपने गुलाब के प्लांट को अगर अभी लाते हो नर्सरी से तो इस तरीके से लगा दो। मैंने तो ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, तो मैं आज सिर्फ इसको प्रून करूँगी और इस पर फर्टिलाइज़ करूँगी, ठीक है। और इसकी सनलाइट की अगर बात करूँ तो फ्रेंड्स, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो तो गुलाब की जो प्लांट है उसकी जो लीव्स है वो बर्न होने लगती है। वैसे तो बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी इसकी लीव्स बर्न होने लगती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा धूप भी आए तो भी आपकी गुलाब की जो लीव्स है वो थोड़ी सी इस तरीके से जलने लगती है। तो इसलिए मॉर्निंग की धूप पड़ती है, लगभग 3-4 घंटे की जो मॉर्निंग की धूप है वही पड़े तो आपकी गुलाब के लिए काफ़ी है। बहुत ज़्यादा इन डायरेक्ट सनलाइट पे अगर आप रखते हो तो आपकी जो लीव्स है वो भी ख़राब होती है। विंटर में आप इसको डायरेक्ट सनलाइट पे रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्मी में इसको डायरेक्ट सनलाइट मिलने से इसकी जो लीव्स है वो थोड़ी सी ख़राब होने लगती है। तो इस तरीके से आप इसकी केयर करो। अभी आती हूँ इसकी प्रूनिंग पर, ठीक है। तो चलो इसको प्रून करती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैंने इसको पूरा ही एकदम चारों तरफ से प्रून कर दिया है, हार्ड प्रूनिंग ही कर दी है। तो अभी मैं इसकी जो ये जो कटी हुई स्टेम है, इसमें मैं फंगिसाइड भी लगा दूंगी और ये अभी एक अच्छी शेप भी ले लेगी और इस पर जो लीव्स निकलेगी वो बहुत हेल्दी होगी। ये जो कटिंग्स मैंने काटा है उसकी, इसको मैं कुछ कटिंग्स को मैं अपनी फ्रेंड को दे दूंगी और बाकी को मैं लगा दूंगी, क्योंकि अभी मॉनसून है तो ये प्लांट जो है गुलाब अभी अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो अभी मैं इसको फर्टिलाइज़ करूँगी। तो फर्टिलाइज़ करने के लिए सबसे पहले गुड़ाई ज़रूरी है और गुलाब के प्लांट को फ्रेंड्स गुड़ाई बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप महीने में एक बार तो इसकी, जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दोगे उसकी अगले दिन आप इसकी गुड़ाई अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दो। गुड़ाई करके दूसरे दिन आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जब भी आप यूज़ करो आप दे दो। अभी तो मैं लिक्विड नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि अभी हमारे यहाँ धूप है तो लिक्विड मैं नहीं दूँगी। अभी मैं ऐसे ही फर्टिलाइज़ कर दूँगी। अच्छी तरीके से गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैं इसकी गुड़ाई करके जो भी देखा जो अननेसेसरी लीव्स है, क्योंकि मैंने इसकी थोड़ी सी मल्चिंग कर दी थी, तो ये मल्चिंग कि जितने भी मैंने लीव से मल्चिंग की थी, आप जिससे भी मल्चिंग किए हो तो वो सब हटा दो, क्योंकि बारिश में ये मल्चिंग अगर आपकी प्लांट पे पॉट पे रहे तो फंगस लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो इसलिए मल्चिंग की हुई जो भी चीज़ आप देते हो तो वो आप इस तरीके से फेंक दो, एकदम इसको पूरा ही साफ़ कर दो, ठीक है। अभी मैं इस पर फर्टिलाइज़ करूँगी इसको।
तो इस प्लांट को फर्टिलाइज करने के लिए मैंने जो चीज़ लिया है, देखो सीवीड तो मैं अभी हरी सभी प्लांट पे मैं यूज़ कर रही हूँ, टी लीव्स क्योंकि प्लांट की जो गुलाब की प्लांट को टी लीव्स बहुत ही पसंद है, मिट्टी की जो पीएच लेवल है उसको बरकरार रखती है और बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए मैं टी लीव्स भी यूज़ करूँगी और मैं यूज़ करूँगी एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। तो कुछ भी नहीं करना है, आप क्या करोगे इस तरीके से, इस तरीके से आप चारों तरफ से मैं एक एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट जो कि मैंने घर पे ही बनाया है, इस तरीके से मैंने दे दिया है। उसके बाद ये जो सीविट फर्टिलाइजर है इसको मैं लगभग 2 चम्मच, ये एक स्लो रिलीज होती है तो इस तरीके से मैंने इस पे लगभग 3 चम्मच सीविट फर्टिलाइजर मैंने दे दिया है। सभी न्यूट्रिशन इसको मिलेंगे, मेरे पास अभी बोन मील नहीं है, अगर बोन मील रहती तो बोन मील भी मैं देती। और ये जो टी लीव्स है, देखो मैंने टी लीव्स एक कटोरा ली है तो इसको सभी को मैं पूरा ही मैंने दे दिया है, ठीक है। तो 2 महीने की 2-3 महीने के लिए आपकी खाद की, प्लांट की जो खाद की रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो गई, तो अभी मैं इस पर और ऐसी खाद नहीं दूंगी, तो सिर्फ अभी लिक्विड देती रहूंगी। इस तरीके से इसको पूरी ऐसे खाद दे दिया है मैंने, तो फर्टिलाइज हो गई है। शाम को, अभी दोपहर का वक्त है मैं जब मैं वीडियो बना रही हूँ, शाम को मैं इस पर अच्छी तरीके से पानी दे के, क्योंकि मैंने इसको प्रून किया हुआ है तो मैं आज 2 दिन के लिए, 2 दिन नहीं आज के लिए मैं तो इसको पूरा ही शेडी पे रखूंगी, अंदर रख दूंगी इंडोर में, कल शाम को मैं इसको निकालूंगी और थोड़ी सी फंगिसाइड मैं इस पर लगा देती हूँ ताकि जो फंगस है वो ना लगे। इस तरीके से फंगिसाइड पकड़ने के बाद आप अच्छे तरीके से हाथ को धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी तरीके से आप हाथ भी धो लेना, ठीक। देखो जितने भी कटे हुए स्टेम है इन सभी पे आप फंगिसाइड लगा दो, अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके से। क्योंकि गुलाब की कटिंग अगर ऐसे खुली रहे तो डाईबैक का खतरा रहता है, इसलिए डाईबैक हमारे प्लांट को नहीं होने देना है। लो अभी इस तरीके से आप देखभाल करोगे अगर आपकी प्लांट की, तो आपकी प्लांट अच्छे से ग्रो भी करेगी और इस पे कोई भी इंसेक्ट भी नहीं लगेगा। अगर आपने देखा कि आपके प्लांट पे कोई भी इंसेक्ट आई है, क्योंकि बारिश के बाद हर प्लांट पे थोड़ी बहुत इंसेक्ट का अटैक हो ही जाता है, तो नीम ऑयल का आप स्प्रे करो, नहीं तो आप जो लिक्विड हैंड वॉश आती है या फिर कोई भी लिक्विड सोप आती है जो एकदम सॉफ्ट हो, वो थोड़ी सी 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच डाल के पूरी प्लांट पे स्प्रे करो। उसके बाद 1 घंटे रखने के बाद आप फ्रेश पानी से प्लांट की धो दो, तो आपकी जो प्लांट है उस पर कोई भी इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा। ये काम आप हफ्ते में एक बार कर सकते हो तो आपकी प्लांट बहुत ही हेल्दी भी हो जाएगी और कोई भी इंसेक्ट भी नहीं रहेगा और बहुत ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में रह गई हो तो प्लीज़ मुझे बताना, और मेरी चैनल को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे रहिए, खुश रहिए और चारों तरफ ग्रीन बनाइए। इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो यही ख़त्म करती हूँ, और मेरी वीडियोज़ को देखिए, थैंक यू।